मैं इधर 9 महीने हो गए मैं इधर इंडिया में रहे हुए, तो मेरे को पता चला इसका ऑडिशन हो रहा है, तो मैं एकदम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड मैं इधर आ गया ऑडिशन में। तो हाँ, जर्नी बहुत बहुत ही बढ़िया था, सोचा नहीं था कि इधर आऊँगा, अभी पहुँच गया हूँ, आप इंटरव्यू भी ले रहे हो और अच्छा लग रहा है। मैं पहले भी एक रियलिटी शो कर चुका हूँ 2013 में, और उसके बाद 2019 में भी किया था, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल चालू था। तो एक करना था फिर से एक डांस रियलिटी शो, तो फाइनली IBD में टॉप 13 में हो गया सिलेक्शन। तो जर्नी एकदम रोलर कोस्टर की तरह रही है, और स्टार्टिंग से ऑडिशन तक तो अभी तक तो जर्नी काफ़ी अच्छी जा रही है, होप आगे भी अच्छी जाएगी। इंडियाज़ बेस्ट डांसर से मैं सीज़न 1 से ट्राई कर रहा हूँ, तो सीज़न 1 में मैं था, मैं ऑडिशन से आउट हो गया था, तो फाइनली दिस ईयर सीज़न 3 में मैं बेस्ट 13 में सिलेक्ट हुआ हूँ। और ऐसा ड्रीम शो होते हैं ना, तो उस टाइप का है कि मेरा रियलिटी शो करना है, मेरे को बहुत सालों से करना था, मैं बहुत साल से ट्राई भी कर रहा था। तो एवरी ईयर ऐसा होता था कि सभी शोज़ में मैं मेगा तक पहुंचता था, फिर आउट हो जाता था। तो ये लाइक कि बहुत टाइम लगा मेरे को यहाँ तक पहुँचने में, तो फाइनली मैं अभी बेहतरीन 13 में हूँ। जी मेरा भी कुछ ऐसे ही है कि मुझे मेरे मम्मी पापा का ड्रीम कंप्लीट करना है, इसलिए मैं बहुत रियलिटी शोज ट्राई किया, बट किधर पे नहीं हो पाया किधर पे हो पाया। तो जितना चाहिए, जितना मुझे मेरे मॉम डैड के लिए करना है उतना तो मुझे नहीं मिला, मुझे उनके लिए और करना है, इसलिए मैंने इंडियाज़ बेस्ट डांसर चूज़ किया। इंडियाज़ बेस्ट डांसर की जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी रही, क्योंकि जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो हुआ है, और मैं डायरेक्ट गया था अंदर टॉप में, और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वाली बात है कि, और उसके साथ साथ इस गिफ्ट के साथ साथ मेरे को टेंशन भी मिली है, थोड़ा प्रेशर भी मिला है किस तरीके बरकरार रखना है इस डिसीज़न को। बेहतरीन 13 में आकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि ये मेरा ड्रीम था और मेरी मॉम का ड्रीम था काफ़ी टाइम से कि मैं एक रियलिटी शो में परफॉर्म करूं, एंड फाइनली आई एम हियर इन टॉप लिस्टेड कंटेस्टेंट, तो आई एम फीलिंग रियली ब्लेस्ड एंड आई एम सो हैप्पी। गीता माँ मुझे पहले से भी जानते हैं और मैं भी उन्हें जानता हूँ, और काफ़ी इमोशनल कनेक्शन है कहीं ना कहीं, और जैसे गीता माँ ने मुझे ऑडिशन में देखा तो वो इमोशनल हो गए थे बहुत ज़्यादा देख के, कि क्योंकि उन्होंने कुछ सालों बाद मुझे परफॉर्म करते हुए देखा फिर से, तो पसंद है गीता माँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन है पुराना। और यस, वैसे तो सब जजेस सपोर्ट कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं हमें कि हम और अच्छा करें, क्योंकि हम लोग अभी तक ऐसे लगता है कि हम लोग किधर आधे परफेक्ट है आधे परफेक्ट नहीं है, तो वो हमें पूरा परफेक्ट बनाने के लिए हम लोग को रेडी करें। तीनों जजेस ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं, बहुत अच्छे फीडबैक्स दे रहे हैं सभी को, इवन जितने भी बेहतरीन 13 में सबको अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, और कुछ कमियां हैं तो वो कमियां भी बता रहे हैं। तो जैसे मैं सीज़न 1 में आया था तो उन्होंने मेरे को रिजेक्ट किया था, तो आज वही जजेस मेरे लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे को मेरे डांस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो जो भी जजेस का आगे भी जो भी डिसीजन रहेगा, जो भी चीज़ें रहेगा, हम उसको फॉलो जरूर करेंगे। जजेस के सामने परफॉर्म करना डर तो लगता ही है, नर्वस तो हम होते ही हैं, बट बहुत ज़्यादा हम लोग कनेक्टेड हैं हमारे जजेस से, बिकॉज जो जजेस हमें कभी भी ऐसा फील नहीं कराते कि हम प्रेशराइज फील करें, हमेशा हमें सबको कमेंट्स अच्छे ही मिलते हैं, और जिनका थोड़ा परफॉर्मेंस नहीं भी अच्छा जाता उन्हें भी वो इतने आराम से समझाते हैं, इतने डिटेलिंग से जो नॉलेज हमें मिलती है वो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है, और हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है सब कंटेस्टेंट्स कि हम एक स्टेज शेयर कर रहे हैं इतने बड़े आर्टिस्ट इतने बड़े जजेस के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना बड़ा डांस रियलिटी शो है जिसको सीज़न 1 से मैं फॉलो करते आ रहा हूँ, और इंडिया का बेस्ट डांस रियलिटी शो है, हर एक डांसर के लिए कहीं ना कहीं ड्रीम तो है कि शो में आना है, और हम लोग का भी था आना था हम लोग को शो में, और जैसे कि जजेस को देखा है हमने, ऑब्वियसली इतने एक्सपीरियंस जजेस है, उन लोग के सामने परफॉर्म करना डर लगता है कि कुछ ना गलती ना हो जाए, तो एक्साइटेड भी रहते हैं क्योंकि उनके सामने परफॉर्म कर रहे हैं। और यस, हाँ, तो डर तो सबको लगता है, डर के ही जीते हैं हम कभी कभार ज़्यादातर, लेकिन मैं एक्साइटेड था क्योंकि अगर डरूंगा तो मेरा परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगा जैसा मुझे लगता है, तो ऊपर से मेरा एक्ट भी थोड़ा बहुत रोमांटिक जैसा कुछ था, तो मैं डरा नहीं, और उनको देख के मैं पहले मूड फ्रेश किया कि नहीं समर्पण लामा तुझे नहीं डरना है, दिस इज़ द लास्ट चांस करके, तो मैंने कर दिया। मेरे को राम से डर लगता है। ऐसे नहीं है, सब लोग अपना मेहनत दे रहे हैं, सब लोग अपने हिसाब से बेस्ट दे रहे हैं, तो डरना तो खुद से ही चाहिए, क्योंकि खुद का लेवल हम खुद ही सेट करते हैं अपने अंदाज में, सब लोग के अलग अलग लेवल्स है, सब लोग अलग अलग स्टाइल में करते हैं, उनका
उनका खुद का अपना अंदाज है, खुद का लेवल है, तो ऐसे लगता है कि खुद से ही अगर भिड़ जाएंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। मेरा कहना है कि खुद का जो कंपटीशन है वो खुद से ही है, क्योंकि हम अपने लेवल को बीट करेंगे तभी हम किसी से कम्पीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे डर तो सभी से है, क्योंकि एवरीवन इज़ बेस्ट, ठीक है, सभी अगर बेहतरीन 13 में लोग आए हैं, सिलेक्ट हुए हैं, तो कोई रीज़न के कारण, क्योंकि सब बेस्ट हैं। तो सबसे डर तो रहेगा, लेकिन सबसे मेन डर जो है वो खुद से ही है, कि खुद के जो पिछले वाला जो परफॉर्मेंस था या पिछला जो बेंचमार्क था उसको लेवल क्रॉस करना है और खुद के लेवल को क्रॉस करना है, देन ताकि हम किसी और से कम्पीट कर पाएँ। मुझे तो इसी से डर लगता है, क्योंकि यही पहला कंटेस्टेंट है जो टॉप बेहतरीन 13 में आया था, तो पर ये बहुत अच्छा परफॉर्मर है, मैं चाहती हूँ लोग इसे देखें, इसे प्यार करें, ही इज़ रियली अमेजिंग। और मेरे को सबके सबसे डर लगता है, क्योंकि इंडिया में से सिर्फ 13 लोग आए हुए हैं, इंडिया में लाखों हज़ारों डांसर्स हैं, उनमें से बेस्ट 13 हैं, तो सारे ही बेस्ट हैं, उन सबसे डरना चाहिए और सबसे ऊपर हैं ये लोग। तो मैं एक है डांसर जो अरे एक डांसर है जो ऑस्ट्रेलिया में एलए में रहते हैं, माइकल डेमेस की, बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे पर्सनली वो बहुत अच्छे लगते हैं, माइकल डेमेस की, हाँ, तो मैं उनको ज़्यादातर फॉलो करता, और डिएगो वगैरह, मतलब शॉन लियू, उन लोग मेरे को बहुत, मतलब आइडल मानता हूँ मैं उनको। मेरे काफ़ी इंस्पिरेशंस हैं, एक तो मेरे खुद के रियल ब्रदर जो बड़े भैया हैं वो मेरे इंस्पिरेशन है, लाइक यस, जिनसे मैंने डांस सीखा है। और अगर फिर बाहर की किसी आर्टिस्ट की बात की जाए तो साइरस ग्लेच हो गया है, और पॉपिंग में होवन हो गए, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो इंस्पायर करते हैं उनकी तरह बनना है। तो मैं चाहता हूँ कि रामबिष्ट विनर बने, क्योंकि उनका स्ट्रगल और हर एक चीज़, क्योंकि हमसे वो सीनियर भी हैं और काफ़ी टाइम से चीज़ें कर रहे हैं वो, तो मैं चाहता हूँ कि वो विनर बने। विनर बनना ना बनना तो हम नहीं बता सकते कौन है, सभी बहुत ही बेहतरीन हैं अपने आर्ट फॉर्म में, सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर एक तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं भी विनर बनूँ सब चाहते हैं सब विनर बने, लेकिन मैं चाहती हूँ अनिकेत विनर बने, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। हम तीनों बहुत अच्छे हैं, तीनों बहुत ज़्यादा दिल के पास है, बट थोड़े से ज़्यादा गिरता हुआ। यस, मेरे सबसे फेवरेट टेरिन सर। मुझे तो गीता माँ बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं उनसे, आई लव यू गीता माँ। मेरे को भी गीता माँ बहुत ज़्यादा पसंद है, और वैसे सोनाली मैम भी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, टेरिन सर मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सोनाली मैम ने मेरे को आई लव यू बोल दिया था, तो मैं तब से उनके साथ अभी प्यार में हूँ। और गीता माँ जब मैं बोलती हैं तो मैं उनको माँ की तरह ही देखता हूँ, और जब टेरिन सर बोलते हैं उन्होंने मेरी आज तक गलती नहीं निकाली, ना मैं उनको कभी मौका दूंगा गलती निकालने का। मैं इतना ही कहूँगी कि हम लोग भी मेहनत करते हैं, आप लोग भी मेहनत करते हो, अपना टाइम निकल के हम लोग की टैलेंट को देखते हो, उसे सपोर्ट करते हो, प्यार देते हो, और इतना ही चाहूँगी कि इतना सारा प्यार दो हमें भी, जैसे हम आपके बच्चे हैं, हम आपके फ्रेंड्स हैं, ऐसा करके हमें बहुत सारा प्यार दीजिए और हमारे टैलेंट को देखिएगा ज़रूर। जैसे कि सबको ही पता है कि डांस में कितना मेहनत लगता है, तो मोस्टली तो डांसर समझ पाते हैं, लेकिन आप लोग 2 मिनट का, 2.5 मिनट का, जो भी 3 मिनट का परफॉर्मेंस रहता है वो देख के आप लोग इन्जॉय करते हो और हमें प्यार देते हो, तो मैं वही चाहता हूँ कि हम लोगों ने इतने साल से मेहनत किया है वो 2 मिनट 3 मिनट के डांस के परफॉर्मेंस के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ मेरे को नहीं, जितने भी बेहतरीन 13 है सबको प्यार दो, सबको सपोर्ट करो। और रही बात किसी शोज में सिलेक्ट होने के नहीं होने का, किसी को टाइम पे मिल जाता है, किसी को टाइम से पहले मिल जाता है, और किसी को टाइम के बाद भी मिलता है, तो बस गिव अप मत करो, कीप कंटिन्यू करते रहो। हम फैंस से बोलना चाहते हैं कि आप लोग हमें देखें, बहुत सारा प्यार दें, सपोर्ट करें, और हम आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे। और जो करना है सिर्फ दिल से करें, शिद्दत से करें, किसी भी चीज़ का बहाना ना लें, ना सहारा लें, जो दिल में आए ज़रूर करें, और सही गलत में फ़र्क समझें और आगे बढ़ें।